हाय ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू आवर चैनल जिप्सी ट्रैवलर। तो आज हमारा डेट टू है देहरादून में। आज डेट क्या है? आज डेट क्या है? 24। क्या बोला तूने? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। चार। और आज तारीख है, 4 तारीख है। दे ले बेटा कार्ड किसके पास है। और हम आज जा रहे हैं अपने गांव। तो गांव का सीन है, कल हमारे घर में पूजा, इसके लिए हम गांव वगैरह जा रहे हैं। और अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो अभी सबसे पहले हमें जाना है हरपटपुर। हरपटपुर से हमें अपने दादा वगैरह को, दादा दादी और को पिक करना है। फिर जो हम जा रहे हैं अपनी I-20 में जा रहे हैं। और हमारे साथ है मेरे पापा, ये बैठे हैं। हाय। और ये पीछे मेरी वाइफ और ये मेरे मित्र साहब। अब हमें पहुँचना है हरपटपुर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि दादी को शॉपिंग करनी है। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं हम हरपटपुर। और मैं आपको बीच में दिखाता रहूँगा यहाँ से देहरादून से लेके हरपटपुर के नज़ारे। देखो करो मजे। अभी हम पहुंचे हैं सेंसपुर। अभी हमें 15-20 मिनट हो चुके हैं। रोड काफ़ी खाली थी तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं। आपने देखे होंगे थोड़े बहुत शॉट्स, रोड पे काफ़ी क्लियर रोड है यहाँ। हमें अभी तो गांव पहुंचना है। अभी तो गांव का तो काफ़ी सही रहेगा व्यू वगैरह, एकदम मस्त। तो ब्लॉग में बने रहे आप लोग। यहाँ पे पापा हैं, पापा कुछ बोलना चाह रहे थे। क्या बोल और काफ़ी तो बोल रहे थे, जब मैंने कैमरा ऑन करना चुप हो गया। तो फाइनली हम हरपटपुर पहुंच चुके हैं। तो अभी हाँ ठीक है ठीक है। और अभी ये बंटी है, ये अभी जा रहा है घर, विकास नगर जा रहा है ये। और इसको अपने कपड़े कपड़े लाने हैं, फिर गांव में ठंडा है ना, तो अभी जा रहा है ये, हमें मिलेगा थोड़ी देर में। और अभी हम निकलते हैं, अभी पापा थोड़ा बहुत सामान ले रहे हैं, बाकी अभी घर जा रहे हैं और उसके बाद थोड़ा घर वालों से मिलाते हैं आपको। और ये प्रियंका, उदास, देवदास, बोलना चाहते हो कुछ? नहीं, मेरे को बिंदी में। गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर। हमारा घर है ये, और ये हमारा जो मेन घर है हरपटपुर, कुछ इस तरह से। इतना बड़ा हॉल। और ये बारू, कैसे हो बारू? बढ़िया। ये देखो ये घोर रहा है यहाँ का। हाय। और ये अपना, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको अपना सामान देखना है, घंटू देखना है। दिखा थोड़ा, दिखा। ओ वाह। हाँ। और हमें दादा दादी और को मिलाते हैं। अरे कुछ हमारा ये नहीं, ये कुछ ऐसा है हमारा घर। यहाँ पे जब गर्मी होती थी ना, तब हम यहाँ, जब लाइट नहीं होती थी तो चले जब लाइट नहीं होती तो यहाँ पे हम इधर बैठा करते थे। यहाँ से काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। अरे इधर से आते, इधर से आते हैं। मेरी वाइफ ने ढांडू लगा लिया है, ढांडू लगा के देखते हैं कैसी लग रही है। और वाह, अब लग रही थी हिमाचलन पूरी। और देखो अभी ठीक से लगा, अब लग रही है हिमाचली पूरी। अब मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ, अब मैं दादा जी और से मिलाता हूँ आपको। और ये है मेरे दादा दादी, ये है मेरे दादा। हेलो बोलो दादा। हेलो। कहा बोला दादी? हेलो बोलो। अच्छा वो टमाटर लगा रहे दादा? बाप रे, सब ऑर्गेनिक खाते हैं यहाँ पे, सारा लहसुन वगैरह। ये प्याज है, ये प्याज है, ये प्याज। दादा कराओ। और दादा बताएंगे क्या क्या सामान लगा रखा है दादा ने यहाँ पे, चाचा ने लगा रखा है यहाँ पे सामान। क्या है दादा ये इधर? ये प्याज। अच्छा,
और ये लहसुन हाँ और ये भिंडी भिंडी कहाँ है ये अभी आई नहीं है ना हाँ थोड़ी है हाँ। और ये मक्की है बड़े बड़े पेड़ है और ये कद्दू है ये कद्दू है और ये आम है हाँ। ये केला है ओ केला ये देखो केला लगा रखा दादा ने है, ये फल दादा ने एकदम यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कर रहे और आम भी है आम भी है चार पाँच ये अमरूद है ये अमरूद देखो अमरूद इसके अमरूद मैंने बहुत खाए छोटे में ना दादा हाँ। छोटे में कितना खाते थे अमरूद है ना और इधर भी अमरूद है वहाँ पे भी अमरूद ये इधर बोएंगे अब ये धनिया वहाँ चलो उधर उधर दिखाता हूँ और ये पपीता है ये पपीता छोटा बढ़िया टमाटर है ये दादा अब वो बताओ वो क्या है उसके बारे में बताओ जरा ढंग से ये फूल है ना ये नहीं जो ये हमारा पहाड़ी है ये पहाड़ी है ये हमारा बिच्छू घास है इससे इसको क्यों क्यों लगाते दादा घर पे ये घर पे इसको ये लगाते हैं कि इसकी सब्जी बनती है हाँ और बच्चों को भी थोड़ी डांट पड़ती है इसको अगर इसको कंडाली बोलते हैं हाँ हाँ कोई कंडाली बोलते हैं और हमारे यहाँ वैसे कुछ का बोलते हैं इसको अभी लग जाएगी तो कल जो है कल इसी टाइम तक दर्द रहेगा 12 घंटे का सर 12 घंटे का ये इसका हाँ। जी ये देखो ये आम का पेड़ आम का पेड़ है ये आम का पेड़ देखो कितना बड़ा है काफी ये भांग भी है हाँ साथ के साथ ये और ये थोड़ा सा लगा रखा है यहाँ प्याज है ये प्याज है ये भी ये टमाटर ये टमाटर देखो जरा ये पूरा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है पूरा ऑर्गेनिक इसमें जो है ना खाद हम कुछ यूरिया वगैरह कुछ यूज नहीं करते यहाँ पे गोबर है यही वाली खाद ही यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ हम बकरी बांधते और दादा ने बकरियां भी रखी है इधर ये बकरी का काम है यहाँ दादा धूप है ना हाँ अभी ये अंदर देखो बकरा ऊपर आ रखे पूरा घर का मैंने आपको दिखा दादा ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया और ये पिंकी क्या ढूंढ रही तू हाँ फाइनली सेट हो गया है भारू ने काफ़ी हेल्प कराई थैंक यू भारू और ये देखो हमने सामान कैसे घुसा रखा है ये अमन की बुलेरो और ये गाड़ी के अंदर हो रही है गीचा पीछी और दादी बहुत नखरे कर दिया आज नानी जा रही है अपने सहेलियों से मिलने ओके और आऊं पिंचू गया नाना ने लगा रखा चश्मा ये नाना हमारे साउथ के हीरो चलो ठीक है बाय ठीक है बाय 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 मारू कल मिलते हैं ठीक है बाय बाय गाइस कल मिलेंगे ओके तेरे बाखरू काटी मारूंगा थापा और दे थापा भी किया जय मासूम महाराज की एक गाना चलाया था गाइस जो कि हमारी बहन को पसंद नहीं आया बिल्कुल भी नहीं तो क्या कर सकते हैं अमन आपको कैसा लगता है अच्छा लगता है गाड़ी चलाते हुए कैसा लगता है आपको बहुत मजा आता है और ये देखो नाना नानी दोनों कपल जाना से अब मैंने तानसेन छोड़ दिया है तो एक पान वाला था उसने मेरे को कहा है कि आपके लिए मैं एक की बना के देता हूँ नेचुरल अच्छा उसने बनाई तो वो मुझे पसंद नहीं आई उसने उसमें कुछ मीठा सा डाल रखा था एकदम जैसे लग रहा जैसे पान तो मैं मीठा ज्यादा पसंद करता नहीं हूँ इसलिए मैंने एक दूसरी चीज बनवाई उसमें से ना वाओ इसमें सिर्फ सुपारी तुलसी सुपारी है मजा आया
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चक्रारा पहुंच चुके हैं, चाय एक मिनट और ले आ, ठंडा हो रहा है। और ये हम चक्रारा में ठंडा ठंडा गुलगुल हम गांव पहुंच गए हैं और हमने आज ऑफ रोड करा। आपने वीडियोस में देखा ही होगा कि क्या तगड़ा ऑफ रोडिंग था, मतलब मजा आ गया कि बारिश भी हो रखी थी बहुत ज्यादा, बारिश के साथ रोड थी वो थोड़ी मतलब खराब सी थी, तो ऑफ रोडिंग में पूरा मजा आ गया। सब लोग डरे हुए थे, अगर मेरे को तो बहुत मन था वहां से आने का कि हम अपने गाँव पहुंच गए। यहाँ से उस पीछे वो दिख रहा है, वो अपना गाँव है, यहाँ से अब घूम घूम के हम जाएंगे इधर से। ये रोड है यहाँ की, गाँव की रोड जो होती है ऐसी होती है। और ये देखो यहाँ पे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर को खड बोलते हैं हमारे यहाँ। और पिंकी की तो हालत ख़राब हो रखी थी, तो इसने तो मतलब बोला ही नहीं कुछ भी, मौन व्रत में थी ये, अब थोड़ा हंस रही है वहाँ से आने के बाद। पिंकी दिखा दे एक बार फिर, ये देखो लैंडस्लाइड क्या भयंकर भयंकर हो रखी है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम आपको घर गांव का थोड़े बहुत शॉट्स दिखा देंगे, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय। गुड मॉर्निंग, तो कैसे आप सब लोग, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज हमारा सेकंड डे है गांव में, आज हमारी कथा है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था क्या हुआ था, रात में ऊपर वाले घर में हमारे काफी भीड़, तो हम नीचे आ गए, इसे छानी बोलते हैं। इधर एक गांव, इधर एक घर है, वहाँ पे हम रुके थे। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ से बंदर पूंछ पीक है वो दिखती है। और यहाँ काफी अभी तो काफी ग्रीन ग्रीन है क्योंकि बारिश अभी यहाँ पे मतलब हो रही है, तीन चार दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। अभी हमारा प्लान ये है कि अब हम गाँव जाएंगे, फिर गाँव में देखते हैं क्या क्या काम है क्या क्या नहीं है। अरे मानी मेरे साथ ही आ गया था नीचे, ये अब मेरे साथ ही रहेगा पूरी ट्रिप में और मैं इसको अपने साथ ही रखूंगा। और ये हमारी बुलेरो रेडी हो गई है।
हाय ऑल, तो कैसे आप सब लोग। तो अभी तो मैं सुबह जब वहाँ से आया था तो ऐसा घर का दिखा नहीं पाया क्योंकि घर पूरा एकदम हबड़ा धबड़ी में चल रहा है। सब लोग कोई कर रहा है बस यहाँ पे प्रोग्राम, यहाँ पे लोग नीचे खाना बना रहे हैं, यहाँ पे खाना बना रहे हैं। इधर यहाँ का दिखाता हूँ मैं आपको। ये बुआ है इधर। हाँ ठीक है, कैमरा। ये चाचा है, ये पंडित जी है, और ये बेटी बन रही है इधर। अरे बैठे हैं सब लोग। हेलो हेलो गाइस, छुपी जांदा चंद्रमा, छुपी जांदे तारे हो। और ये लेडीज डिपार्टमेंट बैठा है, यहाँ पे बहनें वगैरह बैठी हैं इधर। ये पूजा है, ये ऋषा है, ये कल्पना, आशु, गोल्डी, ये जीजा जी हमारे, अरे दादी और अंको दीदी, हेलो बोल दो। झाड़ू वाली भाई। ये कल्पना को दिखाना पड़ेगा, देखो अब बिजी है अपने काम। हाँ मक्खिया देखो दिख जाएगी इसमें। तो भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है फुल। ये देखो यहाँ पे कैसे बिस्तर लगा रखे हैं। तो कुछ है सीना भी, सब लोग अपने काम में बिजी हैं। तो कथा जो स्टार्ट होगी शाम को 5-6 बजे करीब स्टार्ट होगी, और तब तक हम सब बढ़ती हैं। अभी तक नहाए धोए भी नहीं है, ब्रश कराया बस, और मुँह हाथ धोए, चाय वगैरह पी है, बस काम में बिजी हैं। तो बस आप ब्लॉग में बने रहे, मैं आपको दिखाता रहूँगा हमारा घर के शॉर्ट्स वगैरह, बाकी थोड़ा बहुत जो काम चलता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। वो तीन ऋणों से लगा संकोच से सबसे पहले देव ने देवता।